प्रदेश में नवविवाहित महिलाओं पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर एक नवविवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। घटना पटना के मनेर थाना क्षेत्र के सादिकपुर बगीचा की है, जहां एक लालची पति ने दहेज की खातिर अपनी पत्नी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें कि मृतका की शादी करीब एक साल पहले सादिकपुर गांव के रहने वाले अवधेश कुमार से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही मृतका के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए तंग करने लगे। इतना ही नहीं, दहेज के लिए मृतका को प्रताड़ित भी किया जाने लगा। आपको बता दें कि विवाहिता के पिता ने अपनी समर्थ के अनुसार शादी में दहेज दिया था, लेकिन दहेज लोभी ससुराल वाले इससे संतुष्ट नहीं थे। आखिरकार लालची भेड़ियों ने मिलकर नवविवाहिता की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं विवाहिता की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतका के पिता संजय प्रसाद सिंह ने बताया कि शादी के बाद से ही मायके से रुपए लाने के लिए मृतका के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। यही वजह है कि शादी के लोभ में उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। सादिकपुर गांव में शादी किए थे बच्ची को, और आज दिनांक 2002 तारीख और 2 तारीख पहला महीना 2020 को मेरे बच्ची को गला दबाकर हत्या कर दिया है। कौन हत्या किया है? हत्या उसको प्रीति के सास है, ससुर का नाम है रामदेव राय और पत्नी का उसको नाम नहीं जानते हैं, लड़का का नाम है अवधेश कुमार। ये तीनों मिलकर पूरे परिवार मिलकर मेरे बच्ची को हत्या कर दी है। उसके बाद में हमें 1 बजे किस लिए हत्या हुई है? हत्या हुई है ये बराबर जब से शादी किए हैं, हमें 5-6 महीने हो गया शादी करने के लिए, 2019 में किए थे, और करने के बाद में ये एक लाख रुपया सब चीज़ देने के बाद में दहेज मांग कर रहे थे, और नहीं देने पर ये जो कि बच्ची को मारने का धमकी बार बार दे रहे थे। आज सुबह 12 बजे दिन में इसको गला, पहले भी कोई आवेदन दिए हैं थाना में? हाँ, पहले भी कुछ आवेदन दिए हैं, 1-2 महीना पहले भी दिए हैं। उसको कोई भी दिक्कत हो रही थी तो हम दिए हैं आवेदन, उसका अभी नाम भी नहीं कटा हुआ। अभी भी दिए हैं आवेदन थाना में हत्या का? अभी दिए हैं थाना में। कितने लोग को नामजद बनाया है? नामजद उसको में तीन ही परिवार है, उसका सास है और ससुर है, एक लड़का है। अब गांव वाला के नहीं नाम है। क्या हुआ है? मृतिका का नाम क्या है? मृतिका का नाम है प्रीति कुमारी, मेरा बच्ची है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है संजय प्रसाद सिंह, मनेर रामघाट का निवासी हूँ। थाना की सुनवाई नहीं करवाई की, और घटना किस लिए हत्या हुई है? दहेज प्रथा के लिए हत्या हुई है। कितने नामजद किए हैं? लमसम में 3 नामजद किए हैं। क्या इससे पहले भी कोई घटना हुई थी? इससे पहले धमकाता था, मांग करते था, मारता पीटता था। हम लोग सोचम नहीं। आप लोग कब सूचना मिली घटना की? हम लोग सूचना गांव के दी मोबाइल से फोन करके हम लोग का सूचना मिली, तो हम लोग गए घटना पर, तो देखे कि मरे लमसम में करीब 12-1 बजे। कैसे मौत हुआ है? मारपीट का मौत हुआ है। मृतका के आप कौन हुए? मृतका को चाचा हुए। क्या नाम हुआ आपका? बच्चू कुमार। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में जांच अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। फिलहाल घटना के बाद से ही सभी आरोपी घर से फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।